गाइस जब भी आप कभी इंटरनेशनली पेमेंट करते हो तो वहां पर आपको पेपल की जरूरत पड़ती है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि पेपल पे अकाउंट कैसे बनाते हो एंड अपना बैंक अकाउंट उस पर कैसे लिंक कर सकते हो। तो सारी बातें इस वीडियो में आप करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आप जब भी कोई भी इंटरनेशनली पेमेंट करते हो या फिर आप पेमेंट लेते हो या देते हो, आप जो भी करते हो, तो उसमें आपको पेपल की जरूरत पड़ती है। एंड उसमें आपकी एक आईडी होती है जो कि पेपल आईडी, इसको हम बोलते हैं। उसके थ्रू आप पेमेंट को रिसीव भी कर सकते हो, सेंड भी कर सकते हो, यानी कि आप ले भी सकते हो पेमेंट एंड दे भी सकते हो, सारा कुछ कर सकते हो। तो सारी बातें आज इस वीडियो में करने वाले हैं कि कैसे आप पेपल पर अकाउंट बनाते हो एंड किस पे अपना किस तरीके से आप इस पे अपना बैंक अकाउंट ऐड करोगे एंड इस पे अपना एटीएम कार्ड के थ्रू पेमेंट कैसे करोगे। तो सारी बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं, तो वीडियो होने वाली बहुत ही इंटरेस्टिंग। सो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आज हम पेपल की सारी बातें इस वीडियो में करने वाले, तो पूरा ट्यूटोरियल हिंदी में रहेगा हमारा, तो आप सुन ही रहे हो पूरा पूरा। सो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हे गाइस, दिस इज जीतू एंड यू वाचिंग फाइमेटिक यूट्यूब चैनल। तो गाइज आपको क्रोम ब्राउजर में जाना है एंड वहाँ जाकर के आपको पेपल की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना, या फिर आप मेरे डिस्क्रिप्शन पे जा सकते हैं, वहाँ पे मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप उस पर क्लिक करके यहाँ पर आ सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। ठीक है, इसमें आपको दो ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ ऊपर देखिए राइट में एक साइनअप एक लॉगिन, तो आपको साइनअप पर क्लिक करना है क्योंकि हमें न्यू अकाउंट बनाना है। ठीक है, साइनअप पर क्लिक कर दीजिए। आप क्लिक करने के बाद में आपके सामने ऑप्शन आएंगे दो खुल के। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको एक तो पर्सनल अकाउंट का ऑप्शन आता है, एक आता है इसमें आप बिजनेस अकाउंट का। पर्सनल अकाउंट में क्या रहता है कि आप सारे फ्री शॉपिंग कर सकते हो, आप मतलब फ्री शॉपिंग नहीं, फ्री कैशबैक यहाँ से ले सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू यहाँ से पेमेंट भी कर सकते हो, पेमेंट रिसीव भी कर सकते हो, ये सारे इसमें ऑप्शन रहते हैं। 24 आवर इसमें आप कैशबैक के लिए एलिजिबल रहते हो, सारा कुछ कर सकते हो। एंड जो बिजनेस अकाउंट रहता है इसमें आपको KYC करानी पड़ती है, क्योंकि ये बिजनेस अकाउंट रहता है, ये थोड़ा ऑफिशियल अकाउंट हो जाता है। तो इसमें ओपन करने के लिए आपको जो अपनी KYC कंप्लीट करनी पड़ती है, उसके बाद इसमें आप पेमेंट लेन देन वगैरह जो भी करते हो वो कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा आप सीधे आप पर्सनल अकाउंट पर क्लिक करिए, क्योंकि हम पर्सनल बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट कर दीजिए। ठीक है, तो पर्सनल सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर दिए। नेक्स्ट करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर कुछ डिटेल्स पूछेगा, जैसे ईमेल आईडी आपको अपनी बढ़िया वाली ईमेल आईडी रखनी है जो आपकी जो ओरिजिनल है। ठीक है, एंड आपका पासवर्ड दो बार कंफर्म कर दीजिए एंड यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिए। ठीक है, एंड नेक्स्ट करने के बाद में आपके सामने यह कैप्चा आएगा, इसको आप फिल कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए, ऐसे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, या फिर कुछ इमेजेस आएंगी उनको आप सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कार या फिर ट्री वगैरह, तो वो आप वहाँ से हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल के आएगा, इसको आपको फिल करना है। फिल करने के लिए देखिए यहाँ पर आपको देखा सबसे पहले नेशनलिटी दे रखी है। ठीक है, इसके बाद आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, इसके बाद आपका सिटी टाउन हो गया, इसके बाद में आपका स्टेट, इसके बाद पिन कोड एंड यहाँ से आपको मोबाइल सेलेक्ट करना। मोबाइल के दो टाइप हैं, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको दो टाइप है, मोबाइल एंड होम। तो मोबाइल डालना, मुझे मोबाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर नंबर डालना है एंड सारी टाइम एंड कंडीशन जो भी दे रखी है इनको यहाँ पर आपको और यहाँ पर ऑन कर देना। ठीक है, सिंपली से इस पर टिक कर दीजिए, तीनों को यहाँ से ऑन कर दीजिए एंड इसको फिल करने के बाद यहाँ से एग्री एंड क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर दीजिए। तो मैं फिल कर लेता हूँ इसको सारे को एक बार एंड उसके बाद आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैंने अपनी सारी डिटेल फिल कर दी है, यहाँ से आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के लिए यहाँ पर आएंगे नीचे एंड एग्री एंड क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ से आपका जो है दूसरा पेज यहाँ से खुल के आ जाएगा। तो देखिए आपके सामने खुल के आ गया आपको डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड लिंक करने के लिए। ठीक है, क्योंकि आप जब भी पेमेंट करोगे तो इसी से होगा। तो यहाँ पर अपना कार्ड नंबर, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो भी चाहो आप यहाँ पर ऐड करना, वो आप यहाँ पर कार्ड नंबर डालेंगे अपना, अगर आप क्रेडिट कार्ड डालते हो तो क्रेडिट कार्ड का नंबर, अगर आप डेबिट कार्ड तो डेबिट कार्ड एक्सपायरी डेट एंड CVV नंबर। ठीक है, उसके बाद में आपके यहाँ से लिंक कार्ड पर क्लिक कर देना। ठीक है, तो डिटेल मैंने डाल दी है, लिंक कार्ड पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मेरा कार्ड लिंक होने के लिए प्रोसेसिंग हो रही है एंड यहाँ से मेरा कार्ड भी लिंक हो गया है और यहाँ पर मुझे एक OTP मिलेगा। OTP में देखिए यहाँ पर मुझे यहाँ 2 रुपये चार्ज करना पड़ रहा है, वो वेरिफिकेशन के लिए होता है कि आपका ही कार्ड जो लिंक हो रहा है या कोई और तो नहीं है। ठीक है, तो उसमें आप OTP यहाँ पर डाल दीजिए, मैं अपना डाल देता हूँ। ठीक है, डालने के बाद यहाँ से सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपके यहाँ से OTP यहाँ से वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ चाहें तो आप इसको सेव कर सकते हैं, नेवर कर दीजिए। ठीक है, एंड इसके बाद देखिए यहाँ से हमारा जो कार्ड लिंक हो गया एंड स्टार्ट शॉपिंग विद पेपल यहाँ पर लिखा हुआ आ गया हमारे सामने। तो इसमें हम नीचे चलेंगे थोड़ा सा, यहाँ पर हमें गो बैक टू होम दे रखा होगा, हमें सीधे डायरेक्टली होम पर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर दे रखा हमें गो टू योर अकाउंट, तो इस पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ से आप अपने अकाउंट पर आ जाएंगे वापस, क्योंकि हमें अकाउंट पर आना। तो देखिए यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, हमारे यहाँ खुल गया अकाउंट जो, मतलब हमारा अकाउंट तो क्रिएट हो गया बट हमें ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, जैसे यहाँ फ़ोन नंबर कंफर्म करने के लिए बोल रहा है, इसके बाद देखिए यहाँ पर ईमेल आईडी कंफर्म करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले क्या करें, हम अपनी ईमेल आईडी कंफर्म कर लेते हैं क्लिक करके। ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे कंफर्म ईमेल एड्रेस पर एंड इसके बाद आपके सामने यहाँ पर पेज खुल के आएगा, यहाँ पर सेंड ईमेल कर दीजिए, क्योंकि आपको ईमेल सेंड किया जाएगा, उस पर जाना अपने मेल पे। मेल पे आने के बाद देखिए आपको यहाँ पर मेरे 4-5 मेल आए हैं, सबसे पहला मेल मेरे पास आया था कंफर्म करने के लिए, तो इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ से देखिए नीचे आएंगे तो नीचे यहाँ पर दे रखा होगा कन्फर्म की लिंक, यहाँ देखिए कन्फर्म माई ईमेल एड्रेस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में हमारा यहाँ से देखिए पासवर्ड मांगा है, पासवर्ड हम डाल देते हैं एंड इसके बाद यहाँ से कन्फर्म ईमेल एड्रेस पर क्लिक करते हैं।
तो यहाँ से हमारा ईमेल कंफर्म हो गया। इसके बाद देखिए मोबाइल कंफर्म करने के लिए बोल रहा है, गेट ओटीपी करने के लिए, तो गेट ओटीपी कर देंगे क्योंकि हमारा ऐसे मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो जाएगा साथ के साथ ही। तो ओटीपी आया अपने मोबाइल नंबर पर, अगर नहीं आया तो आप यहाँ से रीसेंड भी कर सकते हैं अगर बाई चांस नहीं पहुँचता आपके पास। तो मेरे पास आगे मैं अपना डाल देता हूँ यहाँ पर, एंड डालने के बाद यहाँ से कन्फर्म करता हूँ आगे, ठीक है। तो मेरा ओटीपी मैंने डाल दिया, यहाँ से कन्फर्म कर देते हैं, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर कंफर्म हो गया है, देखिए यू आर ऑल सेट यहाँ पर लिखा आ गया है। इसके बाद अकाउंट पर चलते हैं, तो ईमेल भी कंफर्म होगी, मोबाइल भी कंफर्म हो गया। अब इसके बाद देखते हैं उसमें क्या रह गया है। देखिए इसके बाद हम करते हैं अपना बैंक अकाउंट। देखिए हमारा यहाँ पर आ गया है जीतू, लेट्स गेट योर सेटअप एंड सेंड, मतलब गॉट पेड एंड मोर। तो यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ से देखिए ऐड बैंक अकाउंट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हमारी अकाउंट की डिटेल यहाँ पर डालनी होंगी कुछ, जैसे कि हमारे यहाँ पर देखिए दो ऑप्शंस यहाँ पर खुल के आते हैं। एक आईएफएससी से डाल सकते हैं हम, यानी कि आईएफएससी कोड डाल के या अकाउंट नंबर डाल के, या फिर बैंक डिटेल और लोकेशन से। तो सबसे पहले आईएफएससी कोड में आईएफएससी डालना है, अकाउंट नंबर डालना है, यहाँ पर नीचे नाम दे रखा, आप चाहें तो एडिट कर सकते हैं अगर आपका बैंक में कुछ और नाम है तो। एंड यहाँ से आपको लिंक योर अकाउंट पर क्लिक करना है नीचे, ठीक है। एंड इसके बाद देखिए दूसरा ऑप्शन दे रखा है, इसमें दूसरा ऑप्शन में हमारा क्या है कि बैंक नेम और लोकेशन, इसमें थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, आप चाहें तो इसे सर्च करके कर सकते हैं, वरना यार सिंपली आप अपना आईएफएससी कोड डालिए, अकाउंट नंबर डालिए और वहाँ से अपना ऐड कर लीजिए। तो मैं सीधे उसी पर बात करता हूँ क्योंकि मुझे ये थोड़ा लेंथी लग रहा है, इसमें हम नहीं जाएंगे। तो इसमें मैंने सीधे अपना अकाउंट नंबर आईएफएससी डाला है, एंड इसके बाद नीचे चलते हैं। नीचे चलने के बाद यहाँ से लिंक योर बैंक पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो हमारी यहाँ से देखिए डायरेक्टली बैंक लिंक हो जाएगी, देखिए आईसीआईसी बैंक लिमिटेड यहाँ पर मेरी लिंक हो चुकी है मेरे पेपल अकाउंट पर, ठीक है। तो अब मैं लेन देन करने के लिए एलिजिबल हो चुका हूँ पूरी तरह से, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ से मैं डन कर देता हूँ इसको। डन करने के बाद में देखिए पेपल का इंटरफेस इस तरीके से खुल के आता है। देखिए इसमें मैंने बैलेंस दिखाता है, यहाँ पर देखिए पेपल का वॉलेट आपको दिख रहा होगा, एंड यहाँ पर मेरी बैंक अकाउंट भी लिंक हो चुकी है आईसीआईसी लिमिटेड की। देखिए वॉलेट पर मेरे 0 रुपये हैं अभी, एंड देखिए यहाँ से मेरी आईसीआईसी की बैंक लिमिटेड यहाँ पर हो चुकी है लिंक, एंड मेरा जो आईसीआईसी का वीज़ा वाला कार्ड भी यहाँ से लिंक हो गया, एंड यहाँ पर कुछ डिटेल्स दे रखी है, ठीक है। एंड देखिए इसके बाद हम बात करते हैं कि इससे आप पैसे ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं, मनी सेंड या रिसीव कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऊपर ऑप्शन दे रखा है सेंड एंड रिक्वेस्ट वाले, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ से आप पैसे कैसे सेंड करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से थोड़ा टाइम ले रहा खुलने में, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ खुल गया हमारा, देखिए सेंड पेमेंट टू एनी वन, ठीक है, यहाँ पर लिखा आ गया। तो यहाँ पर आपको सीधे उसका नाम, ईमेल एड्रेस या फिर मोबाइल नंबर में से तीनों में से कोई भी डाल दीजिए। ईमेल एड्रेस वही डालना है जो उसका है, यहाँ पर उसे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद में उसको पेमेंट कुछ डालना होगा, पेमेंट जितना भेजना है वो डाल दीजिए। उसके बाद देखिए रिक्वेस्ट का होता है, अगर आपको किसी से पेमेंट लेना है तो रिक्वेस्ट कर दीजिए, नाम और ईमेल नंबर डाल के यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिए, तो आपको उसके पास रिक्वेस्ट पहुँच जाएगी और वो वहाँ से आपको पेमेंट कर सकता है। तो ये तो हो गया इसमें लेन देन वाला सिस्टम। एंड इसके बाद देखिए यहाँ पर पेमेंट मेथड है। इसके बाद देखिए पेमेंट मेथड में आपका क्या क्या रहता है, यहाँ पर पूरा इंटरफेस खुल के आता है। देखिए यहाँ पर आप जो भी यहाँ पर चाहें, देखिए यहाँ पर हमारा दे रखा है इंटर, यहाँ पर ऐड करेंसी दे रखा है, यानी कि करेंसी आपकी है ना, जैसे कि मेरा इंडियन रुपीज़ है, डॉलर है, अगर और भी करेंसी आप चाहें यहाँ से लेन देन करना तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं ऐड करेंसी से। इसके बाद फंड दे रखा है, आपको कितने फंड ट्रांसफर किए हैं या जो भी है। तो अभी तक मेरे पास कोई भी फंड नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर देयर इज़ नथिंग दिखा रहा है। तो यहाँ से हम बैक हो जाते हैं, कुछ भी नहीं है हमारे पास। देखिए देयर इज़ नथिंग टू ट्रांजेक्शन राइट नाउ, अभी तक हमने कोई ट्रांजेक्शन किया नहीं है। एंड देखिए इसमें ये सारा कुछ हो गया। इसके बाद हम देखते हैं समरी, समरी पे चलते हैं। समरी में हमारा जो है रहता है हमारा सेंड एंड रिसीव रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन रहता है। देखिए यहाँ पर सेंड एंड रिक्वेस्ट डायरेक्टली कर सकते हैं, यहाँ से मोर ऑप्शन भी रहता है। एंड इसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा लिखा आता है गुड आफ्टरनून जीतू कुमार, यानी कि जिस टाइम आप इसको ओपन करते हो उस टाइम का एक यहाँ पर मैसेज आता है। यहाँ से सेंड कर सकते हो डायरेक्टली, यहाँ से रिक्वेस्ट एंड यहाँ से मोर ऑप्शन दे रखे हैं। क्रिएट एंड इनवॉइस यहाँ पर एक है, ठीक है, एंड क्रिएट एंड इंटीमेट जो भी है, ठीक है, इसलिए इसमें दो ऑप्शन और दे रखे हैं। इस तरीके से भी आप इसे पेमेंट कर सकते हो, एंड नीचे कुछ और भी ऑप्शन दे रखे हैं। चलिए हम बात करते हैं आप इसे मोबाइल में कैसे यूज़ कर सकते हो। मोबाइल में सेम ही यूज़ कर सकते हो, सारा कुछ उसमें सेम है, कुछ नहीं करना रहता आपको। देखिए मेरे सामने कुछ प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि मैं उसमें स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर पाता, इसकी कुछ सिक्योरिटीज़ हैं, ठीक है। तो सिंपली आपको ओपन करना अपना पेपल, पेपल ओपन करने के बाद मैं यहाँ से मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी इसको इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लेना, ओपन करने के बाद में आपके सामने ये साइन अप एंड लॉगिन का दो ऑप्शन आएंगे, आपको लॉगिन कर लेना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के। उसके बाद अपना बैलेंस चेक कर सकते हो, पैसे ट्रांसफर करते हो, सारा कुछ यहाँ से कर सकते हो। रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि इसकी जो प्राइवेसीज़ है वो अलाउ नहीं करती है स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए, तो सॉरी दोस्तों। गाइज आपको सारी वीडियो समझ में आ गई होगी कैसे आप पेपल को यूज़ करते हो, कैसे पैसे ट्रांसफर करते हो, कहाँ पर आपका बैलेंस दिखता है, क्या आपकी आईडी रहती है, सारा कुछ इसमें मैंने बता दिया। आप कैसे इसमें एटीएम कार्ड, कैसे अपना बैंक अकाउंट लिंक करते हो, सारी बातें इस वीडियो में कर चुके हैं। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो आने वाली हमारी एक
और ऐसी पेमेंट वाली, इंटरनेशनली पेमेंट रिसीव और ट्रांसफर करने वाली, जो कि इससे बेटर रहेगी क्योंकि इसके जो चार्जेस हैं वो ज़्यादा हैं एंड इसमें जो टाइमिंग है वो कुछ ज़्यादा है। तो इसलिए हम जो न्यू वीडियो लेकर आ रहे हैं आपके लिए उसमें क्या रहेगा, आपकी टाइमिंग भी कम रहेगी एंड उसमें चार्जेस भी थोड़े कम रहेंगे। तो थोड़ा सा सब्र रखिए, वीडियो का इंतजार करिए। तो चलते इस वीडियो मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सो चलते वीडियो में एंड मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।